दोस्तों, और मैं हूँ आज अपने गांव लालसिंगी में। यहाँ पे आज जो शादी की रस्म की जाती है, ठीक एक दो दिन पहले यहाँ पे जो बोलते हैं अरसा, और ये बन रहा है अरसा का पाक। हाँ, ये देखिए, और इसको पहले गुड़ को गर्म किया जाता है, और उसके बाद इसमें जो चावल होते हैं, चावल को भिगो के इसको बारीक किया जाता है, और उसके बाद उसमें इसको मिलाया जाता है गर्म करने के बाद। अच्छा। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंगीठी भी जला रखी है, और इस तरह से इसको निकालते हैं। यहाँ पे दो आदमी की जरूरत पड़ती है जिससे पाक को तैयार किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पे सारे गांव के लोग एकत्रित होके, कोई तेल निकाल के है, कोई कनस्तर निकाल के हमारे नाम साल की शादी होनी थी, और परंपरा अनुसार और यहाँ पे पाक तैयार हो चुका है, और दूसरी कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, और सारे पाक में से सारी गोलियां बना करके इस गरम तेल में डाली जाएंगी, और वो धीरे धीरे पकेंगी। फिर जब पक जाएंगे तब जाके वो अरसा बन जाएगा, और हमारे पहाड़ों का पैना, इसको बोलते हैं अरसा रोट और सोनाली पकौड़ी, यही हमारे पहाड़ों का वैसे खास पहना है। ये देखते रहो, ये देखिए दोस्तों, ये डाल रहे हैं गोलियां बना करके, और अभी जैसे ही पकेंगी ये गोलियां, इनको दूसरे झरने से, ये लो झरने से निकाला जा रहा है। ये देखो पक्के लाल हो गई हैं, ये देखो सुंदर स्वादिष्ट अरसे। इसको बनाने का भी तरीका होता है,
और अच्छे अच्छे लोग अरसा बनाने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि कई बार अरसा पत्थर की तरह हो जाता है, फिर वो ना खाने लायक होता है ना, और कई बार कच्चा ही रह जाता है। इसको सही अनुपात में इसका पाक बनाना और सही अनुपात पे इसको पकाना, ये बड़ी बात है। इस चीज़ का जानकार होना बहुत ज़रूरी है। बिना जानकारी के यह पाक, यह अरसा नहीं बनाया जा सकता। और साथ में ये लगे हैं रोटने बनाने पे। ये देखिए, ये सभी गांव की औरतें, महिलाएं लगी हैं अरसे बनाने पे। देखो, और इधर से देख सकते हैं आप, ये रोटने बनाने पर लगे हैं। इस रोटना बनाने के लिए अलग से आटा गूंथा जाता है, जिसमें सौंफ, नारियल, बहुत सारी चीज़ें मिक्स की जाती हैं। और के बाद उसको छापे के द्वारा छापा जाता है और रोटना बनाया जाता है। और ये देखिए, एक घन अरसा तैयार हो चुकी है और ये इस कंडी में डाल दी गई है। देखिए, ये रोट छाप छाप के रखे जा रहे हैं, रोटने छप रहे हैं। ये देखिए, छापे द्वारा ये पहाड़ की परंपराएं हैं। और ये गांव में ही सामूहिक रूप से ये मिठाइयां तैयार की जाती हैं और बहुत स्वादिष्ट और शुद्ध मिठाइयाँ हैं ये अरसे और रोट। आप लोग भी ज़रूर आनंद लें अरसे और रोट का। अरसे और रोट खाने हो तो पहाड़ों में ज़रूर जाएं और अरसे और रोट का आनंद ज़रूर लें। धन्यवाद।